अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक छात्र ने फायरिंग कर दी, बता दें जिसमें 3 छात्र की मौत हो गई है और एक टीचर समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मिशिगन के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में यह घटना अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार दोपहर को हुई है। हमला करने वाला 15 साल का छात्र उसी स्कूल में पढ़ता था, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। ओकलैंड काउंटी के अंडर शेरीफ माइकल जी मैककेबे के मुताबिक मारे गए छात्रों में एक 16 साल के लड़के के अलावा 14 और 17 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। गोली लगने से जो 8 लोग घायल हुए हैं जिनमें एक शिक्षक है। बता दें मैककेबे ने कहा कि फिलहाल ये पता नहीं चला है कि मारे गए 3 छात्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या वे अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हुए हैं। स्कूल में कोई और न फंसा हो इसकी जांच के लिए पूरे कैंपस के 3 स्वीप किए गए हैं और फिलहाल जांच जारी है।